कानपुर के किदवई नगर में हैंडलूम शोरूम में आग, 7 फायर ब्रिगेड काबू पाने में जुटी। हापुड़ में पाकिस्तान के विवाद गाने पर फायरिंग करने वाले युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए गठित की जांच टीम। सूरत के चौथा बाजार में अतिक्रमण हटाने गए नगर पालिका के कर्मचारियों पर हमला, दुकानदारों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गोंडा में छुट्टी नहीं मिलने से नाराज शिक्षक ने किया हंगामा, 30,000 की रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। होशंगाबाद में नाले में गिरा ट्रैक्टर, 3 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, ड्राइवर की बची जान। राजस्थान के कोटा में नहीं थम रहा बच्चों की मौत का सिलसिला, मौत का आंकड़ा 104 पर पहुंचा। साल के पहले दिन 3 बच्चों ने तोड़ा दम, गुरुवार को 1 बच्चे की मौत। चढ़ा के जाते थे तो उसको उतारने नहीं आते थे, बहुत देर से आते थे, खिड़कियां टूट रही है, गर्म हीटर नहीं है बच्चों के वार्ड में, गेट दिन भर गेट खुला रहता था, हवा आती थी ठंडी ठंडी। कोटा जाएगी केंद्र की हाई लेवल टीम, जोधपुर एम्स के डॉक्टर और हेल्थ इकोनॉमिस्ट करेंगे पड़ताल। बच्चों की मौत के बाद भी सोता नजर आया कोटा के जेके लोन अस्पताल का प्रबंधन, कैंपस में घूमते दिखे सुअर। नागरिकता कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ आज नेशनल मार्च का आयोजन, सावित्रीबाई फुले की जयंती पर जानिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का कार्यक्रम। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, रांची, मुंबई समेत देश के कई शहरों में मार्च। दिल्ली के जामिया में आज विरोध प्रदर्शन, पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद समेत कई दिग्गज करेंगे अगुवाई। गुरुवार शाम को जामिया टीचर्स एसोसिएशन ने विरोध में आयोजित किया कार्यक्रम, स्वामी अग्निवेश हुए शामिल। नए नागरिकता कानून के समर्थन में स्वामी नाथ संप्रदाय, केंद्रीय मंत्री नड्डा को सौंपा समर्थन पत्र। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विरोध के लिए उतरे छात्र, कहा हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी, कानपुर में सड़क पर उतरे लोग। सूत्रों के मुताबिक जो देश इस मामले में जानकारी मांगेंगे उसके साथ बेहतर समझ कायम करने के लिए भारत सूचनाएं साझा करने को तैयार। सीए को लेकर जारी विरोध के बीच भारत की पहल, विदेश मंत्रालय के मुताबिक कई देशों से साझा की गई है जानकारी। 19 और 20 दिसंबर को संभल में हुई हिंसा को लेकर रिक्शा वाले को नोटिस, तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप। अमृतसर में सरपंच के पति की गोली मारकर हत्या, 3 हमलावरों का सुराग नहीं। फतेहपुर में युवक पर लगा अपने पिता की हत्या का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में 12वीं की छात्रा को अगवा कर रेप, 1 आरोपी गिरफ्तार, कार जब्त। रांची के जवान का पार्थिव शरीर देखकर पत्नी ने किया सुसाइड, सेना के जवान की 30 दिसंबर को हुई थी मौत। लुधियाना में साइकिल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई घंटे तक मचा रहा कोहरा। शामली सहारनपुर हाईवे पर शव के साथ लोगों का प्रदर्शन, पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। अलवर में चोरी के आरोपी की पिटाई, पेड़ से बांधा गया, बाद में किया गया पुलिस के हवाले। ग्रेटर नोएडा में पिछले साल जुलाई में हुई लूट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, इनमें से 1 पर अपहरण का मुकदमा पहले से दर्ज। मिदनापुर में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प, 4 जख्मी। जमशेदपुर में बंद पड़ी इंजन केबल कंपनी के दफ्तर में लगी आग, सभी दस्तावेज खाक। दिल्ली के कृष्णानगर में कमेटी के नाम पर लाखों करोड़ों की ठगी, आरोपी महिला गिरफ्तार। जमीन विवाद में सोनभद्र हिंसा को लेकर 5 पुलिस वाले ढिलाई बरतने के दोषी, जुर्माने के रूप में 30-30 दिन की सैलरी देने का आदेश। आजमगढ़ में नशे में धुत ड्राइवर ने 4 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 2 अन्य को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। रजौरी में सुरनकोट से जम्मू जा रही बस खाई में गिरी, 8 की मौत। होशियारपुर में ज्वेलरी दुकानदार से लूटपाट, वारदात के बाद फायरिंग करते आरोपी फरार। अयोध्या में मंदिर निर्माण से पहले वीएचपी का मेगा प्लान, 25/5 से 8 अप्रैल तक 3.25 लाख गांव में राम की मूर्ति लगाने की योजना। दिल्ली की पीरागढ़ी आग हादसे में गंवाने वाले फायर ब्रिगेड के जवान के परिवार को 1 करोड़ आर्थिक मदद देगी केजरीवाल सरकार। मकर संक्रांति से पहले गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, चाइनीज मांझे पर लगाया पूरी तरह से बैन। गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व पर अमृतसर के हरमिंदर साहिब में जबरदस्त आतिशबाजी। पटना सिटी में तख्त हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा में गुरु गोबिंद सिंह के 353वें प्रकाश उत्सव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए शामिल। मदुरई में काउंटिंग सेंटर के बाहर 2 गुटों में झड़प, 2 जख्मी, 4 गिरफ्तार। मऊ में टूटा हुआ मिला रेलवे ट्रैक, मौके से 50 करोड़ की रंगदारी मांगने से जुड़ी चिट्ठी बरामद। असम के लखीमपुर में 7 लाख के नकली नोट के साथ 3 गिरफ्तार, 6 मोबाइल फोन जब्त। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आपस में भिड़े 2 बाघ, 1 की मौत। सिरमौर में रिहायशी इलाके में पकड़ा गया तेंदुआ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। मुरादाबाद में सड़क पर जश्न में फायरिंग, वीडियो वायरल होने पर आरोपी शख्स की तलाश में पुलिस जुटी। उन्नाव रेप मामले में चार्जशीट दायर, 5 अपराधियों ने रेप पीड़िता को केरोसिन डालकर जलाया था। मेरठ पुलिस ने 20 दिसंबर को हिंसा का जारी किया वीडियो, कहा पुलिस वालों को जिंदा जलाने की थी कोशिश। एटा में दलित शख्स का जला हुआ मिला शव, हत्या का केस दर्ज। सहारनपुर में पुलिस ने 17 अपराधियों को किया गिरफ्तार, पुलिस की ऑपरेशन क्लीन के तहत मिली कामयाबी। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में नए साल पर दर्शन के दौरान एक भक्त की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के पीलीभीत में नगर कीर्तन निकालने पर सिख समुदाय के 55 लोगों के खिलाफ FIR, धारा 144 तोड़ने का आरोप। कन्नौज पुलिस ने ठगी करने वाले गैंग का किया खुलासा, कई राज्यों में लोगों को बना चुके थे निशाना। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस में महिला यात्रियों से छेड़खानी, शराब के नशे में 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी में नए साल के दूसरे दिन हुए 15 IAS अफसरों के तबादले, पहले दिन 22 IAS अफसरों के हुए थे तबादले।
मधुबनी में सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन, 13 किलोमीटर की महिलाओं ने बनाई मानव श्रृंखला। मोतिहारी में पूरी तरह बंद रहा पेट्रोल पंप, लोगों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। हाजीपुर में जेल से लूट को अंजाम देने वाले गैंग का खुलासा, 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। गया में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 9 लोग गिरफ्तार। बोधगया में तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का कालचक्र प्रवचन शुरू, 47 देशों से आए 35,000 श्रद्धालु ले रहे हिस्सा। बिहार के सुपौल में प्रेमी जीविका ने खुद को बांधकर लाठी डंडे से की पिटाई, सरपंच के वारदात को दिया अंजाम। एमपी के श्योपुर में कमला सरकार के खिलाफ सिख समुदाय का बड़ा बवाल, अतिक्रमण हटाने के लिए भेदभाव का आरोप। इंदौर में संघ की 5 दिन की बैठक जारी, ग्रामीण इलाकों और बंगाल में संघ के विस्तार पर चर्चा। रायसेन भारतीय ज्ञान अध्याय विश्वविद्यालय के छात्रा ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम, कुलपति ने दी बधाई। रीवा ट्रैफिक पुलिस की पहल, लड्डू खाओ और चलान कटवाओ। औली में भारी बर्फबारी का मजा लेने में जुटे सैलानी, स्कीइंग का जमकर उठा रहे लुत्फ। चमोली में ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी, जोशीमठ में कड़ाके की सर्दी का सितम। बागेश्वर ने फिर बदला मौसम का मिजाज, अलाव का लोग ले रहे हैं सहारा। पिथौरागढ़ के मुंसियारी इलाके में बर्फबारी, तापमान में गिरावट। ऋषिकेश में पाला पड़ने से फसलों को नुकसान, किसानों की बढ़ी चिंता। आगर मालवा में कोहरे और ओस ने बढ़ाई मुसीबत, 20 फीट दूरी के वाहन दिखना बंद। उज्जैन में ठंडी हवाओं के बीच बूंदाबांदी, घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। इंदौर में कोहरे की चादर ने शहर को ढका, कई ट्रेनें और फ्लाइट्स पर पड़ा असर। मध्यप्रदेश के शाजापुर में शीतलहर, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। धार में भीषण कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, लोगों के मुताबिक 30 साल बाद देखने को मिला ऐसा कोहरा। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार महाराष्ट्र की झांकी नहीं, शिवसेना नेता संजय राउत ने बताया महाराष्ट्र का अपमान। नागपुर में भारी बारिश, शहर में सैलाब जैसे बने हालात। अकोला में 2 मंजिला जर्जर इमारत धराशायी, 8 से 10 लोग बाल बाल बचे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कुएं में गिरी, 2 की मौत, 3 घायल। उधम सिंह नगर में विद्युत विभाग के इंजीनियर समेत 9 पर केस दर्ज, दुष्कर्म के मामले में कसा शिकंजा। सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना, पूर्व डीजीपी लुथरा समेत 4 के खिलाफ जांच के आदेश, 50 लाख रुपए ऐंठने का मामला। पठानकोट में शिवसेना ने खालिस्तान का जलाया पुतला, जनमत संग्रह 2020 को किया खारिज। संगरूर के भवानीगढ़ में किसानों ने पुलिस थाने का किया घेराव, पराली जलाने पर एफआईआर वापस लेने की मांग। चंडीगढ़ के घुटेल में महिला की लाश मिली, जांच जारी। पठानकोट में 247 किलो ड्रग्स जब्त, पुलिस ने 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। पंजाब के बरनाला में थानेदार उसके साथी ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर, आरोपी थानेदार की गाड़ी से मिली शराब। अमृतसर में अकाली दल के सरपंच के पति की गोली से भूनकर हत्या, 3 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। फरीदकोट में नाश्ता गर्म नहीं देने पर ससुर ने बहू को मारी गोली, वारदात के बाद ससुर मौके से फरार। जालंधर में 10 साल की बच्ची की बाथरूम में चुनरी से लटकी मिली लाश, परिवार वालों के मुताबिक खेल खेल में गई जान। रोहतक में एक शख्स को गोली मारकर हत्या, पुलिस ने केस दर्ज किया। देहरादून में मारुति सुजुकी शोरूम में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने में कई घंटे लगाए। रांची में मोबाइल चोर सदर अस्पताल से फरार, पुलिस को चकमा देकर हुआ गायब। गुजरात के अमरेली से शेर के शिकार करने का वीडियो आया सामने, शेर ने गौवंश का किया शिकार। लद्दाख के कई इलाकों में ठंड का कहर, करगिल और द्रास में -20 पहुंचा तापमान। मनाली में 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का आगाज, देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति की मिलती हैं झलकियां। गुवाहाटी पहुंचे सीताराम येचुरी, आज नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन में होंगे शामिल। गुवाहाटी में तेल टैंकर में धमाका, 4 घायल। हावड़ा के जिला अस्पताल में घुसा पानी, पाइप फटने की वजह से वार्ड में पानी घुसने से मरीज परेशान। पश्चिम बंगाल में अगले 36 से 48 घंटों में कोलकाता सहित कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं की संभावना। 26 जनवरी की परेड में बंगाल की झांकी को इस बार नहीं किया जाएगा शामिल, राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने किया खारिज।